स्कूली बच्चों को संसद में होने वाली विस्तृत कार्यवाही के बारे में जागरूक करने एवं उनके नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए सोलन के राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय सोलन में एक दिवसीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला सोलन के 9 शिक्षा खंडों की टीमों ने भाग लेकर संसद की कार्यवाही को हूबहू प्रस्तुत किया। इस युवा संसद में जिला के सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। इसका ध्येय युवाओं को संसद की कार्यवाही के बारे में जागरूक करना है। विद्यालय की प्रधानाचार्य लक्ष्मी श्यामा ने बताया कि जिला स्तरीय युवा संसद का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। लक्ष्मी श्याम ने बताया कि इनको करवाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को संसद की कार्यवाही की जानकारी देना है। जिला स्तरीय यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे ब्लॉक के 9 ब्लॉक्स हैं हमारे जिला सोलन में। उसमें जो भी ब्लॉक लेवल पर जो भी विनर्स टीम रही हैं, वो सारी टीम्स आज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पूरे जिला सोलन की जो टीम्स हैं युवा संसद की, वो सारे आज यहाँ पर हमारे पास प्रतिभागी बनकर आए हैं। उनके चले कि हमारे जो व्यवस्था है, जो लोकतंत्र है, जैसे भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वहाँ पे ये जानकारी देने के लिए कि बच्चों को पता चले कि किस तरह से जो हमारे बिल पास होते हैं, किस तरह से हमारे सामने सरकारें अपने कार्य लेकर आती हैं, उन सारे कार्यों को समझने के लिए, उन बिलों को समझने के लिए, पूरी संसद में जो प्रक्रिया रहती है उसको समझने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। बच्चे इसमें प्रतिभागी बनते हैं और जो बिल्कुल अभी जो बिल्कुल करंट मुद्दे होते हैं, जैसा कि शायद आपने अभी आते हुए सुना भी होगा कि रतन टाटा की आज जिस तरह से मौत हुई है, तो आज सुबह ही अभी पहले ही संसद में जो है बच्चों ने उस चीज़ को मेंशन कर दिया है। यानी जो भी चल रहा है इस समय हमारे देश में, तो उसको सामने लाने के लिए, उन मुद्दों को सामने लाने के लिए और बच्चों को भी इसकी जानकारी समय से मिलती रहे, इसलिए इन युवा संसदों का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चों को पूरी प्रक्रिया का आगे पता चल सके। आगे अगर